मूवी के शुरुआत में हमें मॉस्को एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां पर हम ईगल नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश होता है। वो अपने पेट डॉग पाल्मा के साथ फॉरेन ट्रिप पर जा रहा है। ईगल प्लेन में बैठने से पहले अपने बोर्डिंग पास एक नीना नाम की एयर होस्टेस को दिखाता है। अभी अभी नीना उसे कहती है कि आपको इस डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिर ईगल बोलता है कि मेरे पास पाल्मा का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। तो नीना उसे बताती है कि एयरपोर्ट पर ही एक क्लिनिक है, पहले आपको इसका मेडिकल बनाना होगा, तभी आप इसे ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर ईगल वहाँ से भागते हुए उस क्लिनिक में आता है, लेकिन जब वो पाल्मा को वहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसके कान में इन्फेक्शन है, जिस वजह से डॉक्टर उसे उसका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। अब ईगल वहाँ से परेशान होकर नीना के पास आता है और उससे विनती करता है कि वो पाल्मा को प्लेन में जाने दें, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली है, उसका यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए उसे मैं अपनी साथ लेकर जाना चाहता हूँ। ईगल बताता है कि बहुत मुश्किल के बाद मेरा फॉरेन में जॉब लग गई है, वहाँ मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यहाँ तक कि ईगल उसके पैर भी छूने लगता है कि वो उसे उसके साथ जाने दे, और नीना पाल्मा को देखकर उस पर दया आ जाती है, ईगल को जाने की परमिशन दे देती है। लेकिन दोस्तों, तभी वहाँ पर जो सिक्योरिटी हेड होती है, जिसका नाम होता है जुरीना, वो आ जाती है। उसे देखकर ईगल उसे सारी बातें समझाता है, लेकिन उसे ये बोलकर मना कर देती है कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, और वो बहुत बुरी तरह से ईगल से बातें करती है। वो ईगल से बोलती है कि क्या तुम्हें ये कोई सर्कस या फिर कोई जू दिख रहा है, बिना सर्टिफिकेट के तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। फिर क्या होता है, अब यहाँ ईगल समझ जाता है कि उसे पाल्मा को यहाँ अकेले छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका फॉरेन जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पाल्मा को प्लेन से थोड़ी दूर पर ले जाता है और अपने पॉकेट से एक बॉल निकालकर दूर फेंकता है, जिसके पीछे पाल्मा भागते हुए जाती है, और इसी बीच ईगल प्लेन में भागते हुए बैठ जाता है। जब पाल्मा बॉल लेकर वापस आती है तो वो देखती है कि ईगल उसे कहीं वहीं अकेला छोड़कर प्लेन में जा रहा है। थोड़ी देर बाद प्लेन टेक ऑफ करने लगता है, तभी नीना की नज़र पाल्मा पर पड़ती है, जो कि प्लेन के साथ ही भाग रही थी, क्योंकि वो अपने मालिक को अकेले जाने नहीं देना चाहती थी। और भागते भागते वो प्लेन के आगे आ जाती है। पाल्मा को देखकर पायलट प्लेन को रोक देता है, जिसके बाद पाल्मा साइड होकर भौंकने लगती है ताकि ईगल उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन प्लेन के अंदर ईगल चुपचाप बैठा रहता है, वो उसे कुछ नहीं बोलता है, जिस वजह से पाल्मा साइड हो जाती है, और उसके साइड होने के बाद प्लेन फिर से टेक ऑफ करने लगता है। लेकिन पाल्मा को उम्मीद होती है कि ईगल प्लेन को से उतरकर आएगा और उसके साथ लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, अब प्लेन हवा में होता है और ईगल पाल्मा को अकेले यहीं छोड़ देता है। ईगल को खुद दूर जाते देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। पाल्मा अब यहाँ बिल्कुल अकेले हो जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाते हैं और वो अपने साथियों के साथ आते हैं। वो पाल्मा को रनवे पर देखकर ये लोग उसे मारने वाले थे, और तभी पाल्मा वहाँ से भागकर एक यार्ड में छुप जाती है, जहाँ पर एक टिकनॉफ नाम का एक मैकेनिक हो रहता है। वो पाल्मा को एक ट्रिल के नीचे छुपा लेता है, और जब गाड़ी वहाँ आते हैं तो उसे पाल्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। अब जब टिकनॉफ पाल्मा को देखता है तो समझ जाता है कि ये परेशानी में है। वो उसे कुछ खाने को देता है और उसे यहीं पर आराम करने को कहता है, लेकिन तभी पाल्मा को एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर वो उसी तरह भागते हुए रनवे की तरफ चली जाती है और सोचती है कि ईगल उसे वापस लेने आ गया है। लेकिन जब हम इस प्लेन के अंदर के सीन को देखते हैं तो यहाँ पर हम एक मिनिस्टर को देखते हैं, जो कि प्लेन में अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉस्को आ रहे हैं। इस प्लेन को एक विक्टर नाम का पायलट उड़ा रहा था, और उसी प्लेन में उसका 8 साल का बेटा भी था, जिसका नाम था कुलिया। अब विक्टर प्लेन को लैंड कराता है, और फिर दौरान वहां पर पाल्मा आ जाती है, जिसे देखकर वो दोबारा से प्लेन को ऊपर कर लेता है। अब ये देखकर अंदर बैठा मिनिस्टर को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन फाइनली लैंड कर हो जाता है।
लेकिन इतनी बेकार लैंडिंग की वजह से मिनिस्टर जूलिया से काफ़ी नाराज़ होता है, जो कि यहाँ की हेड है। जूलिया उनसे कहती है कि आप परेशान मत होइए, हम इस डॉग को यहाँ से भगा देंगे। अब पाल्मा वहीं एक प्लेन के पास खड़ी रहती है। वो प्लेन उतरते हुए सारे पैसेंजर को काफ़ी गौर से देखती है और उसमें हमेशा की तरह आज भी लगा रहा था कि ईगल उसे लेने आएगा। इसे वो पता नहीं होता है कि वो हमेशा के लिए उसे इसे छोड़कर यहाँ से चला गया है। और तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं जो पाल्मा को मारने लगते हैं और फिर उसे किसी तरह से पकड़ लेते हैं। वे सब को बताते हैं कि हमें इसे गोली मारने का ऑर्डर मिला है, जिसके बाद वो पाल्मा को पकड़ के बस में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ नीना और टिकनॉफ आ जाते हैं। उन्हें ऐसा देख उन्हें बहुत रोकते हैं, लेकिन ये लोग उनकी एक बात भी नहीं सुनते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर कोलिया उनकी बातें सुन लेता है और उसे पाल्मा पर बहुत ही दया आ जाती है, जिस वजह से उस बस में छुपके से घुस जाता है और जाकर बस का गेट खोल देता है। और गेट खुलने के बाद वो पाल्मा वहां से भाग जाती है। कोलिया की इस हरकत के वजह से गार्ड उसे बहुत डांटता है, पर तभी वहां पर विक्टर आ जाता है, जो उस गार्ड को बोलता है कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे संभाल लूँगा, तुम यहाँ से जाओ। अब विक्टर की बात सुनकर गार्ड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम विक्टर और जूरीना को देखते हैं। जूरीना विक्टर को उस रफ लैंडिंग के वजह से काफ़ी बुरा भला सुनाती है और वो उसे ये तक बोल देती है कि उसे इस लैंडिंग की वजह से अब इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। अब विक्टर उसे बताता है कि उसके वाइफ के जाने के बाद वो और उसका बेटा काफ़ी मुश्किल में है, इसीलिए उसका बेटा काफ़ी परेशान रहता है और इसी वजह से उसका काम में ध्यान नहीं लग रहा है। अब जूरीना उसकी बात उसकी प्रॉब्लम समझ जाती है और उसे सॉरी बोलती है और उसे माफ़ी मांगती है। आखिर में वो ये बोलकर वहाँ से भेज देती है कि कुछ महीने में तुम्हारी इंटरनेशनल फ्लाइट होगी, उसके लिए तुम्हें रेडी रहना होगा। विक्टर को ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। अब रात हो जाती है तो उसके सॉन और विक्टर कोलिया नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन उन दोनों की बातें सुनकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में कुछ खास नहीं बनता है। कोलिया को उसके डैड कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी भी उन्हें और उसकी माँ को टाइम नहीं दिया है। उसे ये भी लगता है कि उसकी मॉम की मौत उन्हीं की वजह से हुई है। इस वजह से थोड़ी रात होने के बाद डिसाइड करता है कि वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। वो ऐसे ही करता है। वो आधी रात को घर से भागकर सीधे पोर्ट पर जाता है और टिकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी एज काफ़ी कम है, इस वजह से उसे टिकट नहीं मिलता। लेकिन कोलिया चालाकी से रनवे तक पहुँच जाता है और एक कपल के साथ प्लेन में चढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी एयर होस्टेज उसे देख लेती है और उसे रोकती है, लेकिन किसी तरह से उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है और प्लेन के टायर के पास जाकर छुप जाता है। लेकिन तभी वहां पाल्मा आ जाती है और उस पर भौंकने लगती है, जिससे गार्ड कोलिया को देख लेते हैं और उसे मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। अब अगली सुबह हम कोलिया और पाल्मा को एक साथ सोते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है। वो कोलिया को बहुत डांटता है और उसे घर ले जाने लगता है और ये देखकर पाल्मा उसे भौंकने लगता है, जिससे विक्टर पीछे हट जाता है। अब टिकनॉफ विक्टर से कहता है कि तुम जाकर अपनी फ्लाइट लो, मैं कोलिया को यहाँ पर ख्याल रख लूँगा, जब तुम वापस आओगे तो तुम यहाँ से ले जाना। अब विक्टर उसकी बात मान लेता है और अपनी फ्लाइट लेने के लिए चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ नीना आती है जो डिकनॉफ से काफ़ी गुस्सा होती है। वेल गाइज, ये दोनों के बीच अब वापस बेटी का रिश्ता होता है। अब नीना टिकनॉफ को कुछ और बताती है कि एक प्लेन की आवाज़ आती है, जिससे सुन के पाल्मा दोबारा से रनवे की तरफ भागने लगती है। टिकनॉफ बताता है कि ऐसा हर प्लेन के आवाज़ सुनकर उसके साथ करती है, लेकिन उसी टाइम नीना पाल्मा को असली कहानी बताती है। वो बताती है कि वो ऐसा सिर्फ अपने मालिक के लिए करती है,
क्योंकि उसे लगता है कि किसी न किसी प्लेन में उसका मालिक होगा। और नीना बताती है कि कुछ साल पहले एक ईगल नाम का आदमी पाल्मा के साथ आया था और वो इसे यहीं छोड़कर चला गया। तब से वो हर प्लेन के आवाज़ सुनकर उसके पीछे भागती है। अब ये सब बात यहाँ बैठा कुलिया सुन लेता है, जिसके बाद उसके दिल में पाल्मा के लिए और प्यार बढ़ जाता है। कुलिया उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी तरह मैं अभी अपनी माँ को मिस कर रहा हूँ। अगले दिन कुलिया एयरपोर्ट के एक एजेंट के पास जाता है और उनसे ईगल का एड्रेस मांगता है, लेकिन प्राइवेसी इशू के वजह से उसे देने से मना कर देते हैं। कुलिया उसे बताता है कि ईगल का एड्रेस पे उसे एक लेटर भेजना चाहता है ताकि उसे वापस आके पाल्मा को ले जाए। वहीं दूसरी तरफ पाल्मा हर बार की तरह एक प्लेन आने के बाद उसे जाके उसके पास खड़ी हो जाती है, पर इसी बार उसे एक आदमी दिख जाता है जो पीछे से बिल्कुल ईगल लग रहा था और उसे लगता है कि ईगल है, इसलिए पाल्मा उसके पीछे पीछे भागते भागते टर्मिनल तक आ जाती है और गार्ड उसे देख लेते हैं। तो उससे बचने के लिए पाल्मा टर्मिनल के अंदर आ जाती है, लेकिन पाल्मा जैसे तैसे बचकर उस पैसेंजर तक पहुंच जाती है। पर उसके पास पहुंचने से पता चलता है कि वो ईगल नहीं है बल्कि कोई और है। तभी वहां गार्ड आ जाते हैं और उसके साथ ही जाल डालकर उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन उसी बीच वहां कोलिया आ जाता है जो कि वहां गार्ड को चकमा दे देता है, जिससे कि फिर से पाल्मा वहां से भागने लगती है। लेकिन उसके वजह से टर्मिनल में काफ़ी तबाही होती है, काफ़ी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। कोलिया और पाल्मा उन गार्ड से बचकर एक जगह में छुप जाती हैं। तभी वहाँ पर एक एजेंट आती है जो कोलिया को ईगल का एड्रेस देती है और उसे कहती है कि तुम उसे लेकर पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। तब विक्टर फ्लाइट से वापस आता है तो उसे वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट के पायलट दिखते हैं जिनके ड्रेस वाइट होते हैं। दोस्तों, विक्टर को अभी भी इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं मिले थे और उसका एक सपना था कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाए। अब जब विक्टर जुरीना से मिलता है तो जुरीना उसे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसके बेटे और पाल्मा के वजह से उनकी बहुत बदनामी हो रही है। और जुरीना उससे एक सौदा करती है और बोलती है कि अगर तुम पाल्मा को पकड़वा दो तो मैं तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस दिलवा दूंगी। विक्टर उसकी बात मान लेता है और वहां से वो यार्ड पर जाता है जहां पर कोलिया और नीना और टिकनॉफ तीनों होते हैं। विक्टर अपने साथ डॉग स्टैचर्स को भी लाता है कि उन्हें देखकर कोलिया बहुत चिल्लाता है। नीना भी उन्हें काफ़ी रोकती है, लेकिन ये दो लोग उसकी एक बात नहीं सुनते और पाल्मा को घसीट कर ले जाते हैं। ये बहुत ही इमोशनल सीन होते हैं। ये सब देखकर कुलिया विक्टर से बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं नीना गुस्से में विक्टर को एक लेटर देकर चली जाती है जो कुलिया ईगल को भेजने वाला था, जिसमें लिखा था कि आपका डॉग जो आपसे बिछड़ गया है वो अभी भी आपका इंतज़ार कर रही है, प्लीज़ आप आके उसे ले जाइए। और लास्ट लाइन में कोलिया लिखता है कि चाहे इंसान हो या जानवर, अपने को छोड़कर जाने का दर्द सबको होता है। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद विक्टर अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे कोलिया और पाल्मा को अलग नहीं करना चाहिए था। और तभी वो देखता है कि कोलिया अकेले घर से बाहर जा रहा है। वो समझ जाता है कि वो पाल्मा को बचाने के लिए जा रहा है, इसीलिए वो भी उसके साथ पीछे पीछे कार से जाने लगता है। ये बोलता है कि चलो हम दोनों पाल्मा को बचाएंगे। उसके बाद सुन के कोलिया काफ़ी खुश हो जाता है और कार में बैठकर दोनों उसे बचाने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाल्मा को देखते हैं जो कि काफ़ी होशियार होती है। वह अपने पिंजड़े को खुद ही खोल लेती है और साथ साथ में साथियों को भी छुड़ा लेती है, जिसके बाद सारे जो उसके साथी होते हैं वह आज़ाद हो जाते हैं। अब जब कोलिया और विक्टर डॉग शेल्टर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां नीना मिलती है जो बताती है कि पाल्मा वहां से भाग गई है। ये सुन के सारे लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि पाल्मा वहां से कहां गई है।
तभी कोलिया कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ गई है। वे लोग अगली सुबह एयरपोर्ट आते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें पाल्मा नहीं मिलती है। तभी टिकनॉफ देखता है कि पाल्मा दूर से भागती हुई आ रही है। उसे अपनी तरफ आते देख कोलिया काफ़ी खुश हो जाता है, पर पाल्मा आते ही एक प्लेन को खड़ा देख उसमें आते हुए पैसेंजर को चेक करने लगती है। लेकिन इस बार भी वो उदास हो जाती है क्योंकि उस प्लेन में ईगल नहीं था। अब विक्टर को समझ आ जाता है कि पाल्मा असल में परेशानी में है, इसीलिए उसके लिए कुछ करना होगा। वो एक रिपोर्टर को बुलाता है और उसका फोटो पेपर में छपाता है, पर उस न्यूज़ को देखकर जुरीना काफ़ी नाराज़ हो जाती है। वो विक्टर को बुला के उसे बताती है कि अब कभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट तुम नहीं उड़ा पाओगे। इसी बीच जुरीना का एक कॉल आ जाता है जो कि शहर के मिनिस्टर का होता है, जो कि हम मूवी के शुरुआत में देखा था। वो पाल्मा की स्टोरी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहता है, और जब वो मिनिस्टर आता है तो विक्टर से काफ़ी तारीफ करता है उसकी, क्योंकि विक्टर ने फोटो वगैरह छपाई थी कि उसने पाल्मा का इतना ख्याल रखा। मिनिस्टर सभी मीडिया को बुलाता है और अनाउंसमेंट करता है कि पाल्मा का ऑनर जो भी है, जहां भी है, वो आके प्लीज़ उसे यहां से ले जाए। पाल्मा उसका इंतज़ार कर रहा है। ये सब मिनिस्टर अपने फ़ायदे के लिए कर रहा था ताकि दोस्तों वो लोगों के नज़र में अच्छा बन जाए। इसके साथ साथ वो विक्टर का इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस भी एग्री कर देता है। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और पाल्मा और कोलिया के बीच काफ़ी अच्छे दोस्ती हो जाती है। वहीं विक्टर और कोलिया के बीच नज़दीकियां होने लगती है, लेकिन पाल्मा की आंखें अभी भी नम थी। धीरे धीरे करके दिन महीने साल भी बीत जाते हैं, लेकिन वो अभी भी उसी के इंतज़ार में थी कि वो हमें लेने ज़रूर आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा अभी तक नहीं हुआ था, ईगल यहाँ पर नहीं आया था। कुछ दिन बाद मिनिस्टर के कहने पर रनवे के पास एक पिंजड़ा बनवा दिया जाता है जिसमें पाल्मा को रखा जाता है, लेकिन कोलिया को लगता है कि पाल्मा इससे काफ़ी नाखुश है। तभी कुछ दिन बाद पाल्मा खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है और वो धीरे धीरे करके बिल्कुल कमज़ोर होने लगती है, और एक दिन ऐसी करके उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। डॉक्टर सबको बताता है कि वो अब धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जा रही है और जब तक ईगल नहीं आएगा तो वो ठीक नहीं होगी। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन उसकी मौत हो जाएगी। अब ये सब बात सुनकर कोलिया भी काफ़ी उदास हो जाता है, और एक रात काफ़ी बारिश हो रही थी। कोलिया पाल्मा के पास आता है और देखता है कि वो बाहर ही बैठी है। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। कोलिया उससे कहता है कि चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ मत रुको वरना तुम्हारी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। पर पाल्मा को उसका बात ज़रा भी असर नहीं हुआ, वो अपनी जगह से हिली तक नहीं, और कोलिया उसके हाथ जोड़ने लगता है और रोने लगता है और ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि चलो वरना मारी जाओगी। कोलिया गुस्से में आकर कहता है कि आखिर सब लोग मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहता है, क्या तुम मेरी मॉम की तरह हो जो छोड़कर मुझे जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें ऐसा करने से नहीं दूंगा। कोलिया अपनी जैकेट उतारता है और पाल्मा के ऊपर रख देता है और उसके साथ बारिश में वहीं सो जाता है। जब तक सुबह होती है तो दिखता है कि पाल्मा जाग गई है और कोलिया उसके फिर अपना घर जाने को कहता है। इस बार पाल्मा को कोलिया पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वो उसके साथ घर चली जाती है जहां नीना टिकनॉफ भी होते हैं। वे सारे लोग उसे अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, पर कोलिया के खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी क्योंकि विक्टर के पास एक कॉल आता है जिससे पता चलता है कि ईगल वापस आ रहा है अब पाल्मा को लेने के लिए। ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ही उदास होते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि पाल्मा अब मुझसे दूर जाए, लेकिन वो मजबूर होते हैं। इसलिए कोलिया पाल्मा को लेकर एयरपोर्ट पर जाता है जहां ईगल प्लेन से बाहर निकलता है। उसके साथ आते ही उसके साथ मिनिस्टर भी होते हैं जो कहानी के शुरू में ही देखा था, जो कि बहुत ही चालाक आदमी होता है। वो अपने साथ
पूरी प्रेस लेकर आया था दोस्तों यहां से पाल्मा को ले जाते हुए लाइव रिकॉर्डिंग कर सके और लोगों के सामने अच्छा बन सके। जब ईगल पाल्मा के पास जाता है तो वो उसे पहचान लेती है और उसका फेस को चूमने लगती है। उसके सालों का इंतजार था जो कि उसके पास आ ही गया। अब ये सब देखकर कोलिया काफ़ी उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और विक्टर से ये देखा नहीं जाता है। वो ईगल को साइड ले जाता है और कुछ पैसे देता है और बोलता है कि पाल्मा को हमें दे दो, पर ईगल कहता है कि वो पाल्मा को नहीं ले जाना चाहता है लेकिन वो मजबूर है क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं ले गया तो मिनिस्टर उसका फॉरेन में जॉब छुड़वा देगा। मतलब मिनिस्टर यहाँ पर भी घपला कर रहा है, अपनी फ़ायदे के लिए ईगल को फंसा रहा है। अब कुछ देर बाद ईगल पाल्मा को लेकर प्लेन में चढ़ता है लेकिन बीच में ही वो रस्सी छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है क्योंकि अब वो कोलिया के पास रहना चाहती है। तभी वहाँ एक गार्ड पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उसे दोबारा से प्लेन में बिठा देता है। वेल गाइस, कहानी में यहाँ पर एक नया मोड़ ले लेता है। प्लेन से ईगल पाल्मा को लेकर जा रहा होता है लेकिन उस प्लेन का पायलट विक्टर होता है। आखिरी समय में वो प्लेन को उड़ाने से मना कर देता है और ये बात सुनकर जुरीना उसे कहती है कि पता है तुम ये क्या कर रहे हो, इससे तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। विक्टर बिना किसी से कुछ बोले प्लेन से बाहर आ जाता है और तभी प्लेन की एयर होस्टेस उसके पास आती है और कहती है कि आपको पाल्मा का हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो कि उसको फर्स्ट टाइम ले जाते समय बोली थी। और उसकी ये बात सुनकर मिनिस्टर जुरीना पर काफ़ी नाराज होता है, कहता है कि क्यों ये ड्रामा कर रही हो, लेकिन जुरीना कहती है कि यह हमारा ही बनाया हुआ रूल है और हमें इसे फॉलो करना ही होगा। अब इन सभी की बातें सुनकर ईगल पाल्मा की ओर देखता है और पाल्मा की नम आँखों को देख कर वो हार जाता है जिस वजह से वो गले का पट्टा निकाल देता है और पाल्मा को कहता है रन पाल्मा, और वो वहाँ से भागना चालू कर देती है और भागते भागते कोलिया के पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं और ये सब देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वेल गाइज, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान आपको कभी ना कभी छोड़कर चला जा सकता है लेकिन एक जानवर आपको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।